चोमू के मुख्य बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी मूलचंद सोनी की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अशोक गुप्ता ने बताया कि वारदात में पूरा गिरोह शामिल था। इस गिरोह में पांच साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी और सीसीटीवी में नजर आ रहा मृतक का नौकर शंभू अभी भी फरार है। गुप्ता ने यह भी बताया कि 13 सितंबर की रात को यहाँ जब मूलचंद सोनी अपनी दुकान बंद कर रहा था, उस दौरान उसने नौकर ने उस पर हमला करके हत्या कर दी और लाखों रुपए के आभूषण भी पार कर लिए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में नौकर द्वारा हमला करने का पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। वहीं पुलिस ने पांचों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को लेकर कल शाम तक जयपुर पहुंचेगी। वहीं पर पुलिस को आरोपियों के पास से 2.5 किलो सोना और 1,85,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं।